खुश थी मेरी बेटी कि उसके बाप ने उसके सर पे हाथ रख दिया। उसने मुझे कहा कि मैं वकार से शादी कर लूं। और फिर क्या? और फिर वकार से तलाक लेके अदनान से शादी कर लूं। ये गेरा इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? एक लड़का एक लड़की घर से इतनी दूर क्यों आएंगे भला? जाने दो मुझे, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो बना लेते। शौकत मेरी बात मान जाओ, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा चलो ये भी ख्वाहिश पूरी कर लो, मचाओ शोर। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? क्या चाहते हो तुम? अब आई ना तुम लाइन पर, तुम्हें चाहता हूं। और क्या चाहना है मैं? लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? किस चीज की कमी है मेरे अंदर? तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। खुदा के लिए जाने दो मुझे, मेरी माँ और मेरी बेटी परेशान हो रही होंगी, जाने दो। चले जाते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। तुम भी तन्हा, मैं भी तन्हा, ये जगह भी तन्हा। नहीं कहीं बताना शौकत। क्यों, कौन रोकेगा मुझे? तुम या तुम्हारा वो होने वाला कॉमेंट, कौन रोकेगा? बताओ मुझे, कौन रोकेगा मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। बचाओ। आंटी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? नहीं मिल जाएगी। मेरी बात हुई एसपी साहब से, उन्होंने हौसला दिलाया कि वो ढूंढ लेंगे यानी को। कैसे हौसला करूं बेटा, मेरी बच्ची न जाने कहाँ है, किस हाल में। ये सब जो है ना, ये शौकत का किया धरा है। खबरदार, जो किसी ने मेरे भाई का नाम लिया तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे आपका भाई है कहाँ? अपने काम पे होगा, और कहाँ होगा? और कहाँ काम करता है? मुझे क्या पता। इसको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये झूठ बोल रही है। इसके भाई ने धमकी दी थी कि वो एनी से शादी करना चाहता है, उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा। तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये सब शौकत का किया धरा है। बस बहुत हो गया, अब मेरे भाई का नाम किसने लिया ना तो मैं जबान खींच लूंगी। देख रहा हूं, ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं जितना घटिया हो जाऊं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेटी की इज्जत से खेले। बता शौकत कहां है? हाय बशीर, क्या हो गया तुझे? तुझे मेरी बात से ज्यादा इनकी बातों पे यकीन है? ये और इसकी बेटी तो है ही झूठी। वैसे मैंने शौकत को समझा दिया था, वो भला उसके चक्रों में क्यों पड़ेगा। मेरी माँ ना तो तेरी बेटी भाग गई है। क्या बकवास कर रही है? बताओ एनिका, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। बता कहाँ है वो? बताती हूँ वो ना, वो शौकत ने ना वो एनी को अगवा किया है। कहाँ लेके गया? मुझे नहीं पता, कसम है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तू ऐसे नहीं बताएगी? अंकल मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा कुछ जानती है, हम खुद शौकत को ढूंढ लेंगे। मेरा ख्याल हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए, उसे ढूंढते हैं। उसके एक दो ठिकानों का मुझे पता है, वहां देखते हैं शौकत को। दो तीन दोस्त हैं, उनसे भी पता कर लेंगे।
देख तारा, रोने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी मैंने तुझे दुख दिए हैं, आज अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो तेरी बेटी को लेके आऊ, ये वादा है मेरा तुझसे। सर विकार, कोई कोई है विकार, पानी मत रो, तुम्हारे आंसू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी और के मानो तो शौक, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और के काबिल होने के लिए छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार, मुझे यहां से जाने दो बस। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ कि मैं बेवकूफ हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें यहां से जाने दूं और तुम अपने उस आशिक के साथ शादी कर लो और मैं हाथ मलता रह जाऊं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बताओ ना, बताओ बताओ, क्या फैसला किया तुमने? कि तुम उससे शादी करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम उससे शादी? क्यों? क्यों इनकार कर रही हो तुम? क्यों इनकार कर रही हो? मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है।
दिमाग खराब हो जाता है इनकार से। क्यों इनकार कर रही हो तुम? क्यों इनकार कर रही हो तुम? मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। जब मैं इनकार सुनता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर तुम इनकार करती रहोगी तो मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। वैसे हम यहां भी रह सकते हैं। यहां तो ना कोई आता है ना कोई यहां से जाएगा। बड़ी हंसी खुशी रहेंगे हम। देखना मैं तुम्हें शादी के बाद कितनी खुशियां दूंगा। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। ऐसी खुशियां कि तुम्हें ये दुनिया जन्नत लगेगी। बिल्कुल जन्नत। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। मामा। ओ बशीर पायन, तुम इधर क्या लेने आए हो? मैं कल हैनी के साथ शादी करके खुद से घर ले आता। तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी इज्जत से हट। चल बशीर भाई छोड़। चल इधर दे मेरी दुल्हन। चल दे। बकवास बंद कर। बशीर भाई एक बात तो बता, ये इन दोनों को साथ लाने की क्या जरूरत थी? हमारा घरेलू मामला है, बैठ के आराम से फैसला कर लेते। चल छोड़, दे मेरी होने वाली दुल्हन वापस। भाई खड़ा रहे, कदम भी आगे फड़ा तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे शौकत को गोली मारेगा तू? चल मार। मेरी बेटी मुझे माफ कर। नहीं मामा, आपसे अच्छा तो कोई माफ नहीं हो सकता। अंकल आप यहां से निकले, मैं संभाल लूंगा। नहीं बेटा, आज पहली बार ये गोली सही इस्तेमाल हुई है। आज मेरे कंधे गुनाह के बोझ से चुके हुए नहीं बल्कि फखर से तने हुए। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे।
कोमल देख लो, आज मैं और एनी बहुत खुश हैं। यही चाहती थी ना तुम? एनी को मेरी जिंदगी में लाकर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दे दिया। थैंक यू सो मच कोमल।